Hi students, so next topic is power in polyphase system. How power is measured in polyphase systems? This is very important topic from exam point of view, so I am taking this video. First of all, you have to understand Blondel's theorem. एक Blondel's theorem है, इनके नाम पे है क्योंकि इन्होंने दी थी. If a network is supplied through n conductors, okay? If a network is supplied through n conductors, suppose 3 conductors, total power is measured by summing the readings of n wattmeters. n कंडक्टर्स हैं तो 3 वॉट मीटर्स की पावर को सम करके आप टोटल पावर निकाल सकते हैं. बट इफ़ द कॉमन पॉइंट इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द लाइन, ठीक है, मान लीजिए 3 कंडक्टर्स हैं, उनमें से एक किसी लाइन पे कोई कॉमन पॉइंट है, देन पावर मे बी मेजर्ड बाई n माइनस 1 वॉट मीटर्स. तब आप 2 वॉट मीटर्स यूज करके भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसे. दिस इज अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 3 वायर सिस्टम, ठीक है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 3 वायर सिस्टम. 1 वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन दिस फेज, करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड प्रेशर कॉइल अक्रॉस इट, सेकंड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस, थर्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस. अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन पॉइंट है, जो प्रेशर कॉइल का इन तीनों वॉट मीटर का जो कॉमन पॉइंट है, वो इन कंडक्टर्स पे कहीं भी नहीं लाई कर रहा है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट अलग से लाई कर रहा है. तो अगर n कंडक्टर्स है ना यहाँ पे, 1, 2, 3, तो आपको 3 वॉट मीटर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव यूज 3 वॉट मीटर्स है. अब इसमें पावर मेजर कर लीजिए, P1 विल बी पावर इलेक्ट्रिक वॉट मीटर में जब भी यूज़ करेंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा पावर कुछ नहीं, इसके थ्रू करंट, करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है और इसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज़ पावर. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं V1 dash, तो V1 dash इनटू ये करंट जो है वो I1, तो V1 dash विल बी इस करंट, ये करंट जब इधर जाएगी तो ये पोलैरिटी कैसे बनाएगी, प्लस माइनस इधर बनाएगी, और ये वी जो है स्मॉल वी, ये कॉमन पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, ओके, तो दिस इज वी, कॉमन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, इसकी पोलैरिटी हम ऐसे मान लेते हैं प्लस माइनस. तो V1 dash विल बी इक्वल टू, इस लूप में चल जाइए, V1 और ये माइनस मिल रहा है, माइनस वी, तो V1 माइनस वी इंटू I1. ऐसे P2 निकाल लेंगे, P3 निकाल लेंगे, तो जब आप सम करेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 का, तो आपको V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 मिलेगा, विच इज़ द टोटल पावर. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पे 3 वायर 4 वायर सिस्टम है, ठीक है, मतलब 3 फेज प्लस 1 न्यूट्रल, ओके, ये न्यूट्रल है अलग से कॉमन पॉइंट. अब यहाँ पे देख लीजिए, इन प्रेशर कॉइल्स का जो कॉमन पॉइंट है वो इस कंडक्टर पे लाई कर रहा है, मतलब 4 वायर सिस्टम है ना आपका, 1, 2, 3 और एक ये न्यूट्रल, इस प्रेशर कॉइल का, इस प्रेशर कॉइल का और इस प्रेशर कॉइल का, इन तीनों का कॉमन पॉइंट इस कंडक्टर पे लाई कर रहा है, किसी एक कंडक्टर पे लाई कर रहा है. तो अब 4 वायर है, 1, 2, 3, 4, लेकिन वॉटमीटर आपको 3 ही यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब 3 वॉटमीटर यूज़ करके भी आप पावर निकाल सकते हैं. देखिए, यही ब्लॉन्डल्स थ्योरम थी जो मैंने अभी पहले आपको बताई है, कॉमन पॉइंट एक कंडक्टर प्लाई कर रहा है तो आप 3 वॉटमीटर यूज़ कर सकते हैं. ये आपसे पूछते हैं गेट वगैरह में या इंजीनियरिंग क्वेश्चन में भी ऐसा डायग्राम बना के दे देंगे, पूछेंगे हाउ मेनी वॉटमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर पावर इन दिस सर्किट. अगर कॉमन पॉइंट किसी कंडक्टर प्लाई कर रहा है तो जितने कंडक्टर्स हैं -1 वॉटमीटर यूज होगा, अगर कॉमन पॉइंट किसी लाइन पर नहीं प्लाई कर रहा है तो टोटल जितने कंडक्टर हैं उतने ही वॉटमीटर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है. नाउ 2 वॉटमीटर सिस्टम, 2 वॉटमीटर सिस्टम देख लेते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड है, ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ये P1 हमने इसके अक्रॉस लगा दिया, P2 इसके अक्रॉस लगा दिया, इन दोनों प्रेशर कॉइल का कॉमन पॉइंट इस कंडक्टर अप्लाई कर रहा है, इसलिए 2 ही कंडक्टर यूज़ करेंगे, 3 वायर हैं तो 2 ही कंडक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट किसी एक कंडक्टर अप्लाई कर रहा है, इस प्रेशर कॉइल का और इस प्रेशर कॉइल का. अब P1 क्या हो जाएगा, P1 जैसे मैंने बताया था, इसके थ्रू करंट और इसके अक्रॉस वोल्टेज, I1 इधर से जाएगा तो ये पोलैरिटी कैसे बनाएगा, प्लस माइनस V1, I3 इधर से जाएगा ये पोलैरिटी कैसे बनाएगा, प्लस माइनस V3, I2 इधर से जाएगा ये पोलैरिटी कैसे बनाएगा, प्लस माइनस V2. तो P1 इज विल बी इक्वल्स टू I1, ये करंट I1 और वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस, इस लूप में चले जाइए, प्लस V1 माइनस V3, तो V1 माइनस V3. P2 क्या हो जाएगा, I2, ये करंट, करंट कॉइल के थ्रू और प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, इस लूप में चले जाइए, प्लस V2 माइनस V3, ओके, तो प्लस V2 माइनस V3, तो टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2, V1 I1 प्लस V2 I2 माइनस V3 I1 प्लस I2
ठीक है, आई वन प्लस आई टू इस नोड पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दीजिए, आई वन प्लस आई टू विल बी इक्वल्स टू माइनस आई थ्री, तो वी वन आई वन प्लस वी टू आई टू प्लस वी थ्री आई थ्री। ओके, अब ये डेल्टा कनेक्टेड में भी ऐसे ही है, यहाँ पे करंट लॉ लगाइए किरचॉफ्स करंट लॉ, इस नोड पे लगाइए, इस नोड पे लगाइए, ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे इसको किया है वैसे इसको डिराइव किया है। ओके, नाउ दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर अ स्टार कनेक्टेड लोड। स्टार कनेक्टेड लोड के लिए एक फेजर डायग्राम है, वी वन वी टू वी थ्री जो रेड पेन से आप देख रहे हैं, दीज आर द फेज वोल्टेजेस। ठीक है, ये फेज वोल्टेज है। तो अगर हम बैलेंस सिस्टम मान रहे हैं तो वी वन वी टू वी थ्री विल बी 120 डिग्री अपार्ट, ये 120 डिग्री होगा, वी टू वी थ्री से 120 डिग्री अपार्ट होगा, वी थ्री वी वन से 120 डिग्री अपार्ट होगा। नाउ पी वन हमने क्या कहा था, पी वन जो एक्सप्रेशन हमारा आया था, पी वन जो एक्सप्रेशन हमारा आया था वो आया था आई वन इंटू वी वन माइनस वी थ्री, या इसको हम कह सकते हैं वी वन थ्री विच इज इक्वल्स टू वी वन माइनस वी थ्री। तो वी वन माइनस वी थ्री अब आप फेजर में कैसे दिखाएंगे, ये वी वन है और ये वी थ्री है, तो माइनस वी थ्री इसके 180 डिग्री अपोजिट होगा, तो वी वन थ्री क्या होगा, वी वन थ्री ये होगा। ठीक है, वी वन थ्री ये होगा, सो वी वन माइनस वी थ्री का सम वी वन थ्री हो गया, और आई वन जो है आई वन इससे 5 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पी वन विल बी इक्वल्स टू वी वन थ्री आई वन कॉस 30 माइनस फाइव, तो वी वन थ्री विल बी रूट थ्री वी आई कॉस 30 डिग्री माइनस फाइव। फेज वोल्टेजेस वी वन वी टू वी थ्री इज इक्वल्स टू कैपिटल वी, और लाइन वोल्टेज मैंने बता दिया वी वन थ्री है, वी टू थ्री है, वी वन टू है इज इक्वल्स टू रूट थ्री वी। फेज करंट आपको मालूम है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, फेज करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट इज इक्वल्स टू कैपिटल आई। पी टू क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा वी टू माइनस वी थ्री, वी टू ये है और माइनस वी थ्री ये है, तो वी टू थ्री ये हो जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है, वी टू थ्री इंटू आई टू, आई टू और वी टू थ्री के बीच का एंगल अब देखिए क्या हो जाएगा, 30 प्लस फाइव हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन में लिख दीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ वॉट मीटर रीडिंग्स ये हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वॉट मीटर रीडिंग्स ये हो जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको वेल नोन एक्सप्रेशन है वो फाइव इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट थ्री पी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू ये मिल जाएगा। अब इन्हीं के थ्रू कुछ रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं, जब यूनिटी पावर फैक्टर हो, ठीक है, फाइव जीरो हो, तो दोनों वॉट मीटर जो हैं आपके पॉजिटिव रीड करेंगे, जब पावर फैक्टर 0.5 हो या 560 डिग्री हो, एक वॉट मीटर 3/2 वी आई पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा, दूसरा जीरो दिखाएगा, और जब पावर फैक्टर जीरो हो तो एक वॉट मीटर पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा, दूसरा नेगेटिव रीडिंग दिखाएगा, तो सम ऑफ वॉट मीटर रीडिंग जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। तो देखिए, जैसे जैसे पावर फैक्टर कम हो रहा है, वैसे वैसे पहले पावर फैक्टर जब 1 था तो दोनों पॉजिटिव दिखा रहे थे, जब कम हुआ 0.5 हुआ तो एक पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा जीरो दिखा रहा है, दूसरा जीरो दिखा रहा है, जब और कम हुआ तो एक पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव दिखा रहा है। तो पावर फैक्टर जैसे कम हो रहा है, वॉट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव, जीरो, फिर नेगेटिव हो रही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, टू वॉट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट टू अ बैलेंस थ्री फेज सर्किट इंडिकेट पॉजिटिव रीडिंग्स, दोनों वॉट मीटर पॉजिटिव रीडिंग्स दिखा रहे हैं, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज जीरो, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है पावर फैक्टर जब जीरो है तो एक वॉट मीटर पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव दिखा रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहे हैं, तो जीरो नहीं हो सकता, 0.5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इसमें पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा जीरो दिखा रहा है, और यहाँ कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो 0.5 भी नहीं हो सकता। हाँ, ये पता है कि 0.5 से थोड़ा जैसे ही ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव रीडिंग में आ जाएगा, क्योंकि 1 पे जब cos phi 1 है, पावर फैक्टर 1 है, तो दोनों पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहे हैं और इक्वल रीडिंग दिखा रहे हैं, तो पावर फैक्टर विल बी जनरली 0.696 आप कह सकते हैं। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी, जो हम फाई में रख के टेन इनवर्स रूट थ्री पी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू कर पाते, लेकिन जनरली ये रिजल्ट से इंटरप्रेट करके आप इस आंसर तक पहुँच सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पावर इन पॉलीफेज सर्किट्स, इस पर न्यूमेरिकल लगाइएगा, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है डू लेट मी नो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।